आज मैं आप लोगों के लिए दशहरा स्पेशल थाली लेके आई हूँ। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इतनी हेल्दी और टेस्टी है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाने का दिल करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ कुकिंग नोट्स। आज मैं आप लोगों के लिए मरवे से बनी रोटी और मरवे का हलवा बनाऊंगी, जो बहुत ही कम टाइम में बनेगा। हमारे बिहार में इसे मड़ुआ बोलते हैं, कहीं मड़ुआ, कहीं नाचनी, कहीं रागी, आपके सिटी में से क्या बोला जाता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएं। मैंने आधा कप मरवे का आटा लिया है। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे, फ्लेम लो ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून घी का डालेंगे। घी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे 2 मिनट और अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इसमें थोड़ा सा घी और डाल के इसे और थोड़े देर चलाएंगे। घी को अच्छे से मिक्स करें। अब ये अच्छे से भुना चुका है, इससे बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है। मैंने यहाँ एक छोटे कप से 1 कप नारियल का बुरादा डाला है। आप इससे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको डालने से इसका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसे अच्छे से 1 मिनट मिक्स करें। उसके बाद 50 ग्राम से थोड़ा कम चीनी डाला है। आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। जितना आपका आटा है उसका डबल दूध या पानी डालें। ज़्यादातर लोग पानी डालकर बनाते हैं, पर मेरे घर में इसमें दूध डाला जाता है तो मैंने इसे दूध से ही बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं, पर दूध डालने से इसका कलर अच्छा होता है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। मैंने आधा कप आटा का लिया था तो 1 कप दूध। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, काला बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसे धीमे आंच पे अच्छे से मिक्स करते जाएं। जब ये घी छोड़ दे तो इसका मतलब हमारा हलवा रेडी हो चुका है। ये कढ़ाई को छोड़ रहा है तो अब हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे अब हमें प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसे थोड़ा दाब दें। इसे दाब देने से बहुत ही अच्छे से ये कतली की तरह कटता है, तो देखने में अच्छा लगता है। देखिए बिल्कुल घी छोड़ चुका है। अब इसे काजू, नारियल के बुरादा और चेरी से गार्निशिंग करेंगे, तो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे केक बना हो। अब हम अपनी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पहले आटा को लगाएंगे। आप जिस भी कटोरी या कप से मेजरमेंट करें, तो अगर 1 कटोरी आप आटा ले रहे हैं तो 1 कटोरी ही पानी लें। मैंने जिस कढ़ाई में हलवा बनाया था उसी में 1 कप पानी डाला है, 1/2 टीस्पून घी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है क्योंकि मैं दशहरा स्पेशल थाली बना रही हूँ। जब पानी अच्छे से खौल जाए तब इसमें आटा डालकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें चूल्हे का फ्लेम ऑफ करके, और आटे को ढककर फूलने के लिए छोड़ दें। तब तक हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। ये सब्जी भी 2 मिनट में बनकर तैयार होगी। एक कढ़ाई लें और कढ़ाई में 1 चमची घी डालें। अब उसमें 1/2 चम्मच मैंने जीरा का डाला है। जीरा के चटकते ही उसमें थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डालेंगे।
ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था। अब तो हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है, आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च इसलिए डाला है क्योंकि इसमें अब कोई मिर्च नहीं जाएगी। 4 से 5 आलू मैंने पहले ही उबाल के रखा था, उसे छीलकर इस मसाले में मिक्स कर दें। ये देखने में तो बहुत सिंपल है पर यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी था। अब इसमें 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसमें धनिया डालेंगे और इसका टेस्ट थोड़ा चटपटा हो जाए इसके लिए 1/2 लेमन जूस। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर दें। 1/4 टीस्पून सेंधा नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। सब चीज़ों को डालने के बाद 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर लो फ्लेम पे पकाएं, उसके बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। आटा ज़्यादा ठंडा ना हो, अभी आटा हल्का गर्म ही है तो हाथ पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर और आटे को अच्छे से लगा लेंगे। खूब अच्छे से इसको मसल कर सानना है। इतना कम आटा ही में मेरी 8 रोटी बनेगी और बिल्कुल सॉफ्ट फुली फुली, ऐसा लगेगा जैसे गेहूं की रोटी बनी है, जबकि इस आटे में कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ना ज़्यादा घी। बस इसे अच्छे से साने 4 से 5 मिनट और इसका एक सॉफ्ट डोर तैयार हो जाएगा। फिर इससे छोटी छोटी लोई लें। देखिए कितना अच्छे से ये चिकना बन के तैयार हुआ है एकदम। इसकी बनी रोटी भी बिल्कुल नहीं फटती और बहुत ही अच्छे से ये रोटी फुली फुली और सॉफ्ट होती है। हल्का सा रागी का आटा अप्लाई करें और इसे हल्के हाथों से बेलते जाएं। पतली पतली रोटी, तावा गरम रखें, गरम तावे पे ही ये रोटी डालें और जैसे हम गेहूं की रोटी को सेकते हैं वैसे ही अलट पलट करके इसे अच्छे से सेक लें। ऐसे ही सभी रोटियों को अच्छे से बेलकर और सेक लें। देखिए एक भी रोटी ना फट रही है ना टूट रही है, कितने अच्छे से फुली फुली बनकर तैयार हो रही है। आप चाहें तो रोटी पर घी भी अप्लाई कर सकते हैं। बस याद रखें कि रोटी बेलते वक्त हल्के हाथ से बेलन चलाएं, ज़्यादा ज़ोर से चलाने से फिर आटा तले से चिपक जाएगा और हमारी रोटियां बार बार फटे और टूटेंगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, घी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब चेक करें रोटी कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। मैंने रोटी में कोई भी घी अप्लाई नहीं किया, आप चाहें तो घी मक्खन कुछ भी लगा सकते हैं। हलवा भी कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ था। अब आप प्लेटिंग करें और इस दशहरा ये थाली एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।